गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कैलकुलस का तीसरा वीडियो लेकर आए। यह नाम का कैलकुलस है लेकिन आप ये पूरे फिजिक्स से पढ़े होंगे। आप जानते हैं फिजिक्स में क्वांटिटी, निश्चित रूप से जानते होंगे। फिजिक्स वाले टीचर बहुत ही बेहतरीन से बताए होंगे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे उतनी ही ज़रूरत है कैलकुलस में जितना कि इसके बिना बन ही नहीं सकता। अब आप ये देख लेंगे कि जब तक हम क्वांटिटी नहीं बताएंगे, खास करके लिमिट, क्या कहते हैं, कंटिन्यूस, डेरिवेटिव्स नहीं समझा सकते, क्योंकि डेरिवेटिव्स का मतलब ही आपको हम बतलाए हैं चेंजिंग। क्या होता है चेंजिंग, वो भी चेंज होना चाहिए किसी के सापेक्ष रेट में, क्या होनी चाहिए, किसी के सापेक्ष चेंज होना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि यदि वहाँ जो है कोई क्वांटिटी होगा तभी चेंज होगा, तो आप निश्चित रूप से जब तक क्वांटिटी को नहीं समझेंगे, वेरिएबल को नहीं समझेंगे, कांस्टेंट को नहीं समझेंगे, तब तक डिफरेंशिबिलिटी और डेरिवेटिव्स या कंटिन्यूटी या लिमिट्स नहीं समझ सकते। इसलिए आप इस वीडियो को निश्चित रूप से अंत तक देखेंगे। जैसे ही अंत तक देखेंगे अगला वीडियो आपको पूर्णतः समझ में आएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कंटिन्यूटी में ये क्वांटिटी क्या होता है। आप निश्चित रूप से सब जानते हैं, प्रायः क्वांटिटी घरेलू वर्ड हो गया। आज के डेट में जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं उनको भी पता होता है क्वांटिटी क्या। क्वांटिटी का मतलब होता है एक तरह से मात्रा, क्या होता है, वस्तु का परिमाण होनी चाहिए या उसमें संख्यात्मक बोध हो, उसको आप क्या कहते हैं क्वांटिटी, अर्थात दूसरा नाम है मात्रा, राशि। क्या कोई दिक्कत? अब आपको ये कहा जाए या आप कह सकते हैं फिजिक्स वाले टीचर बताए हुए जिसे मापा या तोला जाता है उसे राशि कहते हैं। अब तो आप जान लीजिए संसार में सही वस्तु आज के डेट में उसको किसी न किसी यंत्र से, किसी न किसी सहायता से आप उसे नाप सकते हैं, वो टोटल का टोटल क्या हो गया क्वांटिटी। क्या कोई दिक्कत? अब आपको ये देखना है कि क्वांटिटी वहाँ जो टाइप्स बताए होंगे हो सकता कुछ अलग हो, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, खासकर डेरिवेटिव्स में, इंटीग्रल्स में, क्वांटिटी का दो टाइप होता है। एक होता है वेरिएबल अर्थात चर, दूसरा आपका कॉन्स्टेंट अर्थात अचर। क्या होता है? वेरिएबल चर। अब हम इसका डिफिनेशन बोलेंगे, वेरिएबल क्या होता है। आप इससे पहले थोड़ा सा आप समझिए, हम यहाँ संक्रियाएं की चर्चा करेंगे, ऑपरेशंस की चर्चा करेंगे। ऑपरेशन क्या होता है? आप इसे ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़ करना, घटा करना, गुणा करना, भाग करना, लघुत्तम महत्तम, ये होता है। तो आप जान लीजिए किसी समीकरण को आप जब उसको कैलकुलेट करते हैं, हल करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, वह उसका ऑपरेशन कहलाता है, उसकी संक्रियाएं कहलाती हैं। अब आपको हम देखते हैं चर क्या होता है, वेरिएबल, उसका डेफिनेशन बताते हैं। वह संकेत चर कहलाता है, संकेत सिंबल, वह सिंबल वेरिएबल कहलाता है जो अलग अलग संख्याओं में भिन्न भिन्न मान ग्रहण करता है। देखिए ये क्या लिख दिए हैं, अलग अलग ऑपरेशन, अलग अलग समीकरण, अलग अलग जगह में अलग अलग जो मान ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है, लेता है, ठीक ना, उसको आप क्या कहते हैं वेरिएबल चर। आप इस पूरे को समझिए, यदि नहीं समझ, इसका शॉर्ट नाम लिखे ऑफ्टन चेंजिंग, जो परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील, जानिए संसार में सभी वस्तुएं कहीं ना कहीं परिवर्तनशील है, ठीक है। अब बताइए मोटा मोटी आप कह सकते हैं, हमको मैथमेटिक्स देखना है, मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल होता है बहुत चीज हो सकती है, खास करके जब आप एलजेब्रा बनाए होंगे, आप इक्वेशन हल किए होंगे, आप उसमें किसी भी इक्वेशन में आप याद कीजिए, वो एक इक्वेशन देख लीजिए, उसको जब हल करते उसमें एक्स एक चर होता है, या मान लीजिए एक्स चर है, थोड़ा देख लीजिए यदि एक्स उसमें चर है, क्या हम सब जगह एक्स का मान एक जैसा निकलता? नहीं, अलग अलग। हम यहाँ चार इक्वेशन देखिए लिखे हैं, 2x + 2 = 0, क्या लिखा है, 2x + 2 = 0, इसमें कैलकुलेट किया एक्स का मान -1 आया। हो सकता है दूसरा चर हम वाई दे दिए, 3y + 5 = 0, इसमें y का मान -5 बटे क्या हो गया 3 आ गया। अब आपको ये देखना है यहाँ x का मान -1, यहाँ y का मान इतना, आप इस तरह के ढेर सारे भिन्न भिन्न इक्वेशन, बहुत तो इक्वेशन हल करके आए होंगे, आप प्राय देखते होंगे जूनियर क्लास में x का मान एक ही बुक में, एक ही सवाल में, अलग अलग प्रश्नों में, अलग अलग संख्याएं जब हो जाती है नीचे, उसका मान अलग अलग हो जाता, परिवर्तनशील है, अलग 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 मान ग्रहण करता है, इसलिए आप उसको क्या कहते हैं वेरिएबल।
क्या कोई दिक्कत? अर्थात इस पूरी परिभाषा याद नहीं रहे कोई दिक्कत है, उसको ऑफ्टेल चेंजिंग यानी परिवर्तनशील है। अब हम देखिए किसी एग्जांपल लिखे, ऑल इंग्लिश अल्फाबेट इज वेरिएबल, हम क्या लिखे हैं, सभी इंग्लिश अल्फाबेट वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं। आप निश्चित रूप से प्राय एक्स वाई जेड को हम चर कहते हैं, लेकिन यदि बोलने के क्रम में हम उसको ए बी सी को अचर काउंट कर देते हैं। लेकिन याद रखेंगे ऑल अल्फाबेट इक्वेशन में एक्स मानना तो एन ए मान से, लेकिन नीचे ए मानेंगे फिर भी मान दिखाएं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं और ग्रीक के कुल अक्षर कुछ अक्षर ऐसे हैं जैसे अल्फा बीटा गामा इजाई थीटा कोण थीटा, ये सब जितने भी हैं ये सब का सब क्या कहलाता है छोटे, अल्फा बीटा गामा थीटा ये इटीसी, ये सब निश्चित रूप से क्या है चर है, यानी ये सब का मान अलग अलग होता है। जैसे ये कोण देख लीजिए, अभी ये मान लीजिए 30 डिग्री ले रहा है, अब इसको बनाइए इस तरह ये बना देगा 60 डिग्री, देखिए अलग अलग ले रहा है, तो ये क्या कहा जाता है थीटा के एक प्रकार की चर है, क्या समझ गए? तो आप देख लीजिए जो जो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग मान लेता अलग अलग साइन ऑपरेशन में अलग अलग जिसका वैल्यू निकलता है वो सब का सब क्या कहलाता है चर। आप याद रखेंगे ए से लेके जेड तक और ग्रीक के जितने भी संकेत हैं वह अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग मान लेता तो क्या कहलाएगा वेरिएबल, क्या कहलाता है वेरिएबल, आप ये याद रखेंगे। अब आपको हम बताते हैं इसके साथ कॉन्स्टेंट जो अचर हो, देखिए परिभाषा क्या लिखे, वह संकेत अचर कहलाता है जो अलग अलग संख्याओं में भिन्न भिन्न मान ग्रहण नहीं करता हो। सेम इक्वेशन परिभाषा थोड़ा सा चेंज किए हैं, ग्रहण तरीके सिर्फ नहीं इसमें ऐड किए, क्या किए हैं नहीं ऐड किए हैं, निकालने का मतलब ये होता है कि अलग अलग संख्याएं जो भी हो कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमेशा उसमें जिसका मान एकदम परिवर्तनशील नहीं हो, क्या लिखे नो चेंजिंग अपरिवर्तनीय बदलने योग नहीं हो उसको आप क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट, जो फिक्स होता है, क्या होता है जो फिक्स होता है उसको क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट। अब देखिए ऑल डिजिट जितने भी अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक जो भी आप देख लीजिए जितनी भी संख्याएं होती है वास्तविक नंबर हो या काल्पनिक नंबर हो टोटल का टोटल क्या है कॉन्स्टेंट, क्या है कॉन्स्टेंट, उसका मान जैसे 2, आप यहाँ हम बोल रहे हैं 2 का मतलब यही 2 और कोई दूसरा भी 2 पर 2 को अलग वस्तु हो सकती है, काउंटिंग का मतलब यही 2 आएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जितनी भी डिजिट होती है वो सबका सब क्या होता है कॉन्स्टेंट। हाँ कभी कभी फिजिक्स में मैथमेटिक्स में प्राय चर्चा कर देते हैं ए बी सी के कॉन्स्टेंट मानते हैं, अब मान लीजिए हमको याद रखना कि ए बी सी 3 वास्तविक संख्या है तो रियल नंबर है, एक अमाउंट कुछ हो सकता है लेकिन प्राय उसको जब भी कहते हैं खास करके ए बी सी को कॉन्स्टेंट के टर्म यूज करते हैं, लेकिन नोट ये हमेशा नहीं हो सकता है, इसको हम यूज करते हैं मान लेते हैं मैथमेटिक्स में माना जाता है ए बी सी कॉन्स्टेंट है, लेकिन रियल होकर कुछ ए बी सी क्या है तो आप क्या कहेंगे चल है, क्या कोई दिक्कत समझ के। अब आपको ये देखना हम फाइनली इतने कहते हैं क्वांटिटी का 2 टाइप्स, एक वेरिएबल दूसरा क्या है कॉन्स्टेंट, इसका मतलब तो ऑफ्टेन चेंजिंग परिवर्तनशील होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बदलना चाहिए, इसका मतलब नो चेंज नहीं बदलनी चाहिए, तब आप उसको क्या कहते हैं जो ऑफ्टेन चेंजिंग जो परिवर्तनशील हो भिन्न भिन्न में भिन्न भिन्न हो आप उसको क्या कहते हैं वेरिएबल, जो नहीं बदल उसको क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट, समझ गए। अब आपको दिखाते हैं तो ये जितना है इसमें याद रखेंगे ये अंग्रेजी अल्फाबेट टोटल और तो अल्फा बीटा गामा इस तरह की जितने भी ग्रीक के कुछ संकेत हैं वो टोटल का टोटल क्या है वेरिएबल है, और ऑल डिजिट ऑल नंबर्स जो भी है वो सब का सब क्या है कॉन्स्टेंट है। धन्यवाद।